नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर लेकर आया हूँ आप सबके लिए औसत का अगला वीडियो। आज के वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जामों में बहुत पूछे गए हैं और एक विशेष मेथड से भी लग जाते हैं, जिसे आप लोग एलिगेशन मेथड कहते हैं। ये मेथड क्या होता है, कैसे लगाया जाता है और सीधे कैसे लगा सकते हैं। कई बार एलिगेशन मेथड अच्छा है, कई बार सीधे अच्छा है, तो हम लोग उपयोग करेंगे कि कौन सा मेथड कहाँ लगाएं और आज इस पर डिस्कशन करके इस टॉपिक को खत्म करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन से और फिर जाएंगे अच्छे लेवल। नए लोग जुड़ रहे हैं वो शुरुआती क्वेश्चन देखते, कई लोग वीडियो को फिर नहीं देखते, आप पूरा वीडियो देखें। हमें कमजोर से लेके और हर लेयर बच्चे तक की ये वीडियो बनाना पड़ता है। स्टार्ट करेंगे अपन बेसिक से और लोग करंट में आए क्वेश्चन पर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत लड़के। पहले मैं बताऊंगा बेसिक, फिर बताऊंगा आपको क्या एलिगेशन मेथड से देखो क्या होती है। इस मेथड क्या कहना चाह रहा है वो आपसे कि कक्षा है उसमें बॉयज और गर्ल्स दो प्रकार के कैंडिडेट हैं, इनका एवरेज दिया गया कि बॉयज का एवरेज है आपका 60 और गर्ल्स का एवरेज है 80 और दोनों का मिला के एवरेज है 60। ठीक है, अब सीधी मेथड क्या होती है, आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछे कितने परसेंट लड़के हैं, लड़कों का परसेंट बताइए। अभी हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा, जब पढ़ लेंगे तो ये सब चीजें आपकी चुटकी वाली हो जाएंगी। आप कहोगे सर जब परसेंटेज की बात होती है तो अधिकतर हम लोग चीजें जब पता नहीं होती काउंटिंग 100 मान के लगाते हैं। तो यहां भी हम यही करेंगे बेसिक मेथड से कि मान लेंगे गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला कितने हैं 100। क्यों, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना नहीं पड़ेगा आपको, 100 में जितनी वैल्यू आती है उतनी परसेंट माना जाता है। 100 के लिए 20 परसेंट, 100 के लिए 30 परसेंट, 100 के लिए 40 परसेंट। तो आपने क्या किया, आपने कहा टोटल स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज मिलाकर कितने हो गए, ये हो गया 100। इसमें से बॉयज कितने हो गए, तो आपने कह दिया x और गर्ल्स कितने हो गए 100 माइनस x। याद है जो सरलीकरण से पढ़ते हुए आपको याद होगा कि मैंने कहा था जब भी कभी दो चीजों का टोटल दिया जाएगा, दो चीजों का टोटल दिया जाएगा, एक को एक्स मान लेंगे दूसरे को घटा देंगे, बस सॉल्व। हमने माना एक्स और 100 में से सोचो अगर लड़कियों की संख्या 30 होती मान लो अपने पास, तो गर्ल्स की लड़कों की संख्या 30 होती है, तो सर टोटल 100 है, 30 ये 100 में 30 कर लेते, नहीं पता था अपन ने एक्स मान लिया, दूसरा नया वेरिएबल वाई माने से अच्छा है, सौ मार्च का मान लिया। अब गौर करें, बता चुका हूं आपको एवरेज ए बराबर होता है टी अपॉन ए, क्या होता है एवरेज टी होता है टोटल एन का नंबर। हमारे पास जब एवरेज ऑफ नंबर होता है तो अपन निकालते हैं टी मतलब ए। यहां भी हमारे पास एवरेज है सबका अलग अलग और उनका नंबर जो अपन निकालेगा टी, तो यहां एक्सटर्नल क्या लगा, तो अपन लगाएंगे टी बी प्लस बराबर हो जाएगा टी बी और टी होगा कि नहीं, तो टी बी प्लस जी मतलब एन 100 कैसे हो गया, और उसका
ऊपर रोल कितना 16 बराबर b के लिए, तो b की वैल्यू है x और उसका एवरेज कितना 16 प्लस g के लिए एवरेज कितना है आप कहोगे 80 और नंबर कितना है 100 माइनस ठीक है। गर्ल्स के टोटल नंबर, बॉयज के टोटल नंबर मैंने जोड़ दिया बराबर सबके नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर से कम कर, गर्ल्स बॉयज का अलग है टोटल ग्रैंड टोटल बराबर हुआ कि नहीं आपको होगा। सॉल्व करते रहे, ये हो गया 6800, ये हो गया 60x, ये हो जाएगा 8000 माइनस 80x। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको लाएंगे इस साइड, तो माइनस का लगा दो 8000 प्लस का 6800 60 माइनस 80x बिल्कुल पहला इस क्वेश्चन है, मैं कोई भी स्टेप नहीं खाऊंगा सब लिख दिया। ये हो गया 1200 माइनस और माइनस 80x माइनस प्लस एक जीरो से जीरो कट गया, एक्स दिया लिखनी है 60 आई, 100 पे 60 स्टूडेंट यानी 100 पे 60 स्टूडेंट यानी 60 ठीक है। अब इस काम के लिए लगेगा क्या, जो बहुत काम को इतना हम कैसे मन कर पाए, तो बहुत से स्टेप आपको देखे होंगे कि मैंने व्यस्त लिखे समझाने के आप खा सकते हैं, ये सब यहाँ से यहाँ तक मैटर समझाने के ये आपका काम का, और आपको तो यहाँ से क्वेश्चन लगेगा। आगे जो क्वेश्चन लगाऊंगा मैं वहां पे ये स्टेप बनाऊंगा, इस वाले में मैंने डेरिवेशन बता दिया कि ये बात मैं पहले भी लगवा चुका हूँ, टीएन कैसे निकालते हैं, दो अलग अलग प्रकार के टीएन को एक चीज टीएन के बराबर कैसे करते, तो मैं ये बात पहले बता चुका हूँ आपको, इसलिए इस पे लाइन पे फोकस करना है, जो पिछले वीडियो नहीं देख किया वो पिछले वीडियो देख के आए बहुत मजा आएगा। अगर इसमें थोड़ी कोई कंजूसी लगे समझ में तो एक बार वीडियो को फिर से आप रिपीट करें और अब किसी को एलिगेशन मेथड से कैसे है? तो बात होती है एलिगेशन मेथड है क्या, एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि कई बार कोई भी वैल्यू जब दो चीजों से मिक्स होके बनती है तो इसे मिश्रण विधि कहते हैं। मिश्रण विधि में हमें दोनों चीजों को अलग अलग मान कंबाइंड मान चाहिए, जैसे 100 तो नहीं बता था मैं बता था गर्ल्स और बॉयज का मिला के औसत है 68, जिसमें से बॉयज का वैल्यू है 60 औसत की, गर्ल्स की है 80 और मिला के 60, इसमें पहले प्रकार का मान दूसरी प्रकार का मान फिर उनकी मिक्सिंग का मान, तो क्या करते हैं ऐसे क्रॉस में घटा, ऐसे क्रॉस में घटा, यहां घट जाएगा 80 में से 68 में से 60, यहां घट जाएगा 80 में से ठीक है। पहले प्रकार का मान दूसरे प्रकार का नाम बीच में रखते हैं मिक्सिंग का मान और क्रॉस में घटा देते हैं, जो जिसके नीचे जाता है वो उसकी वैल्यू घटा, तो घटाया आपने यहां बचा आपका 12, ये घटाया आपने यहां बचा 8, फिर उनका निकाल लेते हैं रेशियो, रेशियो निकाला आपने तो 4 से 4 की 12 4 की ठीक है, यानी वो जो मेंबर हैं वो 3:2 के अनुपात में बटे अनुपात से लिखने के लिए हम यहां लिखते हैं 3:2, यानी अगर बॉयज 3 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगे। अब अगर रेशियो चाहिए होता तो हमारा आंसर आ चुका था, लेकिन हमें यहाँ रेशियो चाहिए परसेंटेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज निकालते, या तो आप सीधे निकाल सकते हो कि लोग 100 है परसेंटेज में है ना, तो हम यहाँ लिखते 100% है तो 100% का टोटल परसेंट कितना रेशियो में 5, 5 रेशियो 100 के बराबर 1 रेशियो आपको 20 के बराबर, तो बॉयज को मानने का 3 रेशियो 60 के बराबर, ऐसे ही निकालना परसेंटेज ही निकालना है सीसी, तो आप कह दोगे 3 टोटल का 5 का 3 2 5 कितने परसेंट, 5 × 10 कैसे भी करके आपने धीरे धीरे क्या होगा चैप्टर में समझ आपके पास आएगी, परसेंटेज भी पढ़ लोगे अभी, तो ये सब चीजें आपके बाएं हाथ का खेल,
ठीक है, क्या होता है इसमें, पहले पदार्थ का मान, दूसरे का मान, बीच में मिक्सिंग का मान, क्रॉस को हटा देते हैं और फिर रेशियो निकाल देते हैं, जो जिसके नीचे आता है उसका रेशियो होता है। यहाँ तीन अगर आपके बॉयस होंगे दो गर्ल्स होंगी, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे पांच, और अगर परसेंटेज टोटल की बात करेंगे तो पांच में से कितना होगा, या पूरी वैल्यू पांच को सौ पर मान लीजिए परसेंटेज, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए हो गया आप, अगर नहीं समझ में आए तो उसको एक बार और देखो, करने की कोशिश करो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 120 छात्रों का औसत प्राप्त अंक 35 था, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्त अंक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्त अंक 75-15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हो। सेम क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या स्क्रीन, तो हम इसको भी दोनों से लगाएंगे। पहला सवाल है अगला सवाल है आपका, यहां पर हमें टोटल स्टूडेंट संख्या दी थी, टोटल स्टूडेंट कितने 120, तो अगर बीसीएस से लगाएं तो टोटल स्टूडेंट हो गए 120, इसमें से पास होने वाले और फेल होने, ठीक है। क्वांटिटी नहीं रही, बी टोटल का एवरेज है आपका, आ रहा है टोटल का एवरेज है आपका 35, पास होने वाले का एवरेज है आपका 39 और फेल होने वाला है, हमसे पूछा गया है कि पास होने वाले संख्या का कितना छात्र उत्तीर्ण हुए पास, ठीक है ना, समझ तो आ रहा है बात क्वेश्चन। चलो देखो बेसिक से लगाएंगे, अब हम बेसिक से डायरेक्ट लगाएंगे, कैसे लगाते हैं, टोटल स्टूडेंट होगा 120 और उनका एवरेज दिया है, तो हम निकालेंगे टी, क्या टी पास प्लस फेल, और उसको बराबर कर देंगे अपन टी टोटल ऑफ पास होने वाले प्लस टोटल ऑफ फेल होने वाले, ये ठीक है सीधे, ये तो अपने क्वेश्चन ही था अपना, टोटल पास होने और फेल होने का, टोटल पास होने वाले और फेल होने वाले की टोटल क्या होगा बराबर होगा, तो हमने कहा टोटल कितना है 120, पर्सन कितने एवरेज कितना है 35, पास होने वाले की संख्या नहीं पता एक्स मान लिए, इसका एवरेज कितना है 39, फेल होने वाली संख्या टोटल वो दिया जाता है उसमें से एक पता चल जाए यानी एक्स के रूप में, दूसरा अपना मान एक्स को दे, कितना होगा। ये लाइन ही बार बार आपको समझनी है, इस लाइन को ही समझ के लिखने की कोशिश करना है, इस लाइन को अगर आपने लिख लिया क्वेश्चन हो गया, यही लाइन आपका सब कुछ है, 50 कर लिखना आपको हल करना, एक्स कैसे आया, एक्स बिजनेस एक्स कैसे आया, अगर ना समझ में आया तो कमेंट्स करो और मुझे पूछो, सरलीकरण पढ़ते हुए जो कोई आए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0 12 5 60 0 12 3 36 और 6 42, ठीक है, ये 39x हो गया प्लस ये हो गया 15 0 15 30 और 15 1 15 और 3 18 -15, ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 100 में से दिख रहा है ना, अरक में नहीं आ रहा, माइनस हो जाएगा 1800 39x में से माइनस हो जाएगा 15, बिल्कुल एक भी स्टेप नहीं खा रहा हूँ जिससे आपको ले करना, ये घटेगा बचेगा 4 और 1 14 बचेगा 24 यहाँ बचेगा आपका 4 और 8 दो 100,
यानी कितने पास हुए, 100 आया नहीं। देखो सरलीकरण, देखा पहले कहां तक आया था, कहां तक आया, जैसे जैसे शॉर्ट चलेगा आगे वैसे शॉर्ट होता चला जाएगा। अब अगर एलिक्सन से लगाना चाहिए डायरेक्ट लग सकता है एलिक्सन से, एलिक्सन से कौन से लगाने आसान है जिसमें टोटल दिया जाए और फिर उसी का फुटकाउट का टोटल दिया जाए, तो आपका पहले का एवरेज कितना है, पास होने वाले का, पास होने वाले का एवरेज है आपका 30, फेल होने वाले का कितना है 15, और मिक्सिंग कितना है, मिक्सिंग है 30। कैसे लगाते हैं, क्रॉस में छोटे बड़े घटा देते हैं, यहाँ कर देंगे 39-35, यहाँ कर देंगे 35-15, फिर निकाल लेंगे उसका 20। 35-15 जाए कितना बचेगा आपको, 5 गया 20-10, यहाँ पे जो सीट अच्छा सॉल्व कर दो, 4-5-6, 5-5। अब रेशियो आया, टोटल वैल्यू कितनी हुई रेशियो की, 6, और वैसे टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 120, तो 120 यहां होगा 5:120, तो 1:6:120 कितना हो गया 20, 5:6 हो गया ना, तो 1:1 का वैल्यू है 20 आ रहा है, तो 5:5 आपको 20-5-100। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है, इससे आप जल्दी आ सकते हो। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये फैसला ले सकते हो आप। तो कई बार आपको लगेगा कि मैं ऑनलाइन में फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो फास्ट पढ़ाने का रीजन ये है क्योंकि पिछले मैं 5 वीडियो आपको करा चुका हूँ और उनको देख के अगर आप आओगे तो ये बिल्कुल फास्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमें भी यहाँ आपका श्रम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हम बेसिक बता चुके हैं और आपको वो स्टेप बता चुके हैं कहाँ तक आना है। अब केवल हम उसको मेथड के हिसाब से, अब ये टाइप बचा है, और तेज लगे फास्ट लगे तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ऐसी एक बार बात निकल गई दोबारा नहीं मिलेगी, आप सकते क्लास होती तो नहीं सुन पाया दोबारा रिपीट कर दो, यहाँ करेंगे तो वीडियो की टाइमिंग बढ़ेगी और क्वेश्चन की काउंटिंग भी कम होगी। बार बार देखें आप लोग, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, लिखें क्वेश्चन जब तक, और कंप्यूटर पढ़ाई बैठा करें, धीरे धीरे अपन लोग पढ़ाई इतनी पढ़ा क्वेश्चन लगाएंगे क्या बात। ये किसी कक्षा में छात्र छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71.73, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8, छात्र तथा छात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यहाँ केवल रेशियो ज्ञात करें। तो ये आपको पहले का दिया, दूसरे का दिया 71 है, दूसरे का है 73, और मिक्सिंग का ही तो बिल्कुल एलिक्सन से ही लगा देना सीरीज। क्या आएगा आंसर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करोगे क्या आंसर है, सब लोग नहीं कर रहे अभी, पिछले वीडियो में कुछ ही लोगों ने ही किया है, सब लोग करें आंसर। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और जो बहुत मशहूर है, पेपर में बहुत आता है, क्या है देखो, एक थैली में कुल 10 गेंदे जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद, कुछ लाल है से सफेद, सभी गेंदों का औसत मूल 28 रुपए प्रति गेंद, यदि लाल गेंद का औसत मूल 25 सफेद गेंद का औसत मूल 30 रुपए हो, सफेद गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको जहां ऐसा लगे कि आपके पास पहले वाले का एवरेज है, प्रति गेंद मतलब होता है एवरेज, पहले वाले का जरूरी पहले का लाल गेंद, लाल गेंद यानी रेड और सफेद व्हाइट और बीच में मिक्स, तो लाल गेंद का एवरेज है आपका 25, सफेद गेंद का है 30 और मिक्सिंग का है
तो ये एलिगेशन सीधे सरल होता है, बेसिक से ना लगा, सीधे से क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, क्रॉस को घटा देते 28 माइनस 25, और ये लिखा करो 20 माइनस 28, 2:3 घटाते रेशियो निकाल लेते, यानी गेरे 2:3 के रेशियो में, गेरे टोटल 10 है, किसका मान निकालना है, मतलब किसी का निकालना है, तो आप लिखे 5 गेनों का मान लिखने, रेशियो 5 रेशियो हो रहा टोटल, टोटल जो रेशियो हो रहा वो 5 हो रहा, वो किस बराबर हो जाएगा 10 के बराबर, 1 रेशियो की वैल्यू 2। अब किसका निकालना है, लाल गेंद का मान सफेद, तो आपको निकालना है कितने सफेद गेंद, सफेद गेंद का रेशियो कितना 3, 1 रेशियो 1 3 रेशियो 3 6, तो 6 गेंद का आंसर। फास्ट हो गया, आदत बनाओ, दो चार वीडियो होने के बाद आदत बनाओ। अब हमारी कैलकुलेशन उस कमजोर छात्र की जैसे नहीं होनी चाहिए, अब केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, क्योंकि हम लगभग लगभग 60 कक्षाएं होने वाले है ना, कहता है वो भी नहीं, उसके बाद ये चीजें नहीं, हाँ जो इसी पे वीडियो पे आया उसे परेशानी हो सकती, उसको बिल्कुल क्या करना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है, किसी टीचर के साथ सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो कब कौन सी बात जरूरी थी वो क्लियर करेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि जो चीज हम आपको बताएंगे अलग की चीज क्यों नहीं बताई उन्होंने, वो 50 बता चुका होगा, तो ये हो जाता है, तो उसके हिसाब से फॉलो करोगे तो देखो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट करो, कमेंट्स कर दो, सर इस पे ये बात समझ नहीं आई थी, ये क्वेश्चन और एक बार हो जाए, बिल्कुल मुझे पता चल जाए किस लेवल से, क्योंकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा, और हर चीज लिखूंगा उन्हें लगेगा बोल रहे कितनी बार उस चीज को रिपीट कर रहा है, जिसका जैसा रेडियो चला रहा है, ठीक है। तो चलें अगला क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगेंगे आपको कि एलिगेशन वाले हैं, और होते भी एलिगेशन वाले हैं, लेकिन उनको डायट लगाना ही बहुत अच्छा होता है, ये 2019 और 2018 के समय लाइव एग्जाम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 50 छात्रों की कक्षा में 20 लड़की हैं, 50 छात्रों की कक्षा में 20 लड़की हैं, और इनका औसत 35 है, इनका एवरेज हो गया 35, जबकि कक्षा में कक्षा का औसत 42 है, लेकिन टोटल के एवरेज कितना है, तो बॉयज का एवरेज बताना है, ठीक है। इसको मैं एलिगेशन से लगाऊंगा, पहले लगाऊंगा डायरेक्ट, पता हूँ एलिगेशन से आप उसको जल्दी से डायरेक्ट ज्यादा अच्छी तरह से, हमें पता है कि एलिगेशन मेथड में क्वांटिटी से नहीं हम लोग लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं उनकी संख्या दी जाती है, सॉरी उनका एवरेज दिया जाता है फिक्स, जो दो कैंडिडेट हैं चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, चाहे पास होने चाहे फेल होने वाले हैं, उनका अलग अलग एवरेज और उनकी मिसिंग का एवरेज दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल संख्या है उनका एवरेज है, गर्ल्स की संख्या है उनका एवरेज है, बॉयज की संख्या तो हम घटा के निकाल लेंगे, एवरेज नहीं, तो तीनों के एवरेज होते हैं तब लगाते हैं, ये परेशान करने जाते हैं, संख्या जो है तीनों लगा लें क्या, गलत हो सकता, ठीक है। तो प्लीज मेथड को अच्छे समझें, सही करने की कोशिश करें। तो अपन क्या करेंगे इसको, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, जैसे क्या होगा भाई, 50 बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर होगा टी बॉयज प्लस टी गर्ल्स, टी क्या होता है ए ए टू में, तो उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं कहूँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपको 50, उनका एवरेज कितना है 42, टी बराबर क्या होता है ए एवरेज इनटू नंबर, बॉयज कितने हैं बोले नहीं पता, पता है 50 में से 20 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे 30, और उनका एवरेज बता दो, एवरेज को ए लिख लिया, गर्ल्स कितनी है 20 और उनका एवरेज कितना है 35, बस हो गया सॉल्व कर लिया, बस क्या हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 चौकी 20 और 30,
ये होगा 38 प्लस ये हो गया वैल्यू 70 यानी 700 घट जाएगा बचेगा 1430 ये जो जीरो कट गया तीन से काटा तीन चौकी 12 कितना बचा 2 हाँ पीछे 18 और यह तो रहेगा 6 यानी 46 पॉइंट टीचर की 12 2 टीचर 18 ठीक है देख नेक्स्ट क्वेश्चन महेश ने 1250 रुपए 1250 रुपए के औसत मूल्य पर 3 साइट खरीदी यदि उसने 1450 के नए एवरेज पर 2 साइटें खरीदी तो टोटल 5 साइटों का औसत कितना टोटल 5 साइटों का औसत या ठीक है बता देंगे हम अच्छा क्वेश्चन है 3 साइटों का औसत है 1250 के हिसाब से अगली 2 साइटों का एवरेज है 1450 तो क्या करना है हमें मिक्स करके पांचों का औसत कितने की पड़ेगा तो पहली 3 साइट में कितना पैसा खर्च किया इसका 3 एन निकालेंगे वन कैसे निकलता है 1250 में मल्टीप्लाई 3 से करके कितना हो जाएगा ये 12 × 14 = 36 3750 ठीक है और बाकी 2 साइटों पे की फिगर बाकी 2 1450 एवरेज है 2 साइट तो ये हो गया 2100 कुल 5 साइड है T3 + T2 3750 2900 004 5 पृथ्वी का दिखाएंगे 3750 कई बार गलतियां हो जाती है कि यहां से यहां मान लिखने में आप मत किया करो 2905 6 5 6 6650 और आपने 6650 में अपनी सेवा कर ली 500 तो 5 × 5 5 × 3 = 15 5 × 3 = 1330 एक साइड पर 1330 की एक साइड पड़ी आपकी 1330 की एक साइड पड़ी आपकी ये टोटल 5 के हिसाब से ठीक है अच्छा लग रहा है अंदर लग रहा है एक और देख लें एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शेष 4 दिनों का तापमान ज्ञात कीजिए सप्ताह है बात सप्ताह और डॉक्टर हो गए एन का मान हो गया 7 इसका औसत क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें से पहले 4 दिन का औसत दिया गया आपको कितना 31 डिग्री से और अंतिम 3 दिन का औसत पूछा अंतिम 3 दिन का औसत ज्ञात कीजिए कुछ नहीं बता दोगे भाई किस लगा आंसर है एन से T7 निकालेंगे अपन बराबर कर देंगे T3
सॉरी टी फोर और टी थ्री से। अब आपको याद रखना है एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो आपको पता है। टी सेवन करें, टी सेवन मतलब सात गुणे इक्कीस, उनमें से चार गुणे इकतीस, उनमें से तीन मल्टीप्लाई नहीं पता तो ये मान लिया, ठीक है। तो सात की बीस मतलब 210, चार चार की 12 और प्लस हो जाएगा 3, ये वहां जाए घट जाएगा, घटेगा तो 6 और ये घटा तो 8, तो 3 काट दिया आप, 3 दूनी 6 आठ है 24 डेसिमल, तो बचा पीछे में 18 28.66 या और अच्छा लिखना तो ऑप्शन देख लिया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, एक वीडियो और बनाऊंगा अभी आपको क्रिकेट खिलाड़ी का आने वाले क्वेश्चनों पे, सब थोड़ा फास्ट लगे आपको वीडियो, लेकिन लगना चाहिए हम लोगों को आगे चल के ऐसे वीडियो बनाना है कि एक मिनट में एक क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन लगाने के बाद का क्वेश्चन वीडियो, ठीक है। तो दो गुस्सा नहीं होना, हाँ कोचिंग रह जाए समझ में ना, तो मुझे दो वीडियो और एक्स्ट्रा बनाना, उसकी आपको टेंशन नहीं करनी, इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ थोड़ा टाइम देने एक वीडियो बना रहा हूँ, क्या उतना कवर कर पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें। Thank you.